हेलो फ्रेंड, मैं विमल अग्रवाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में कुछ फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग बात करते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुँच सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है, ये स्टेट लेवल पर निकली हुई है, सेंट्रल लेवल पर निकली हुई है। तो यहाँ पर CGSH में ये जॉब रहने वाली है, जो कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है। तो ये जॉब जो रहने वाली है, वैकेंसी रहने वाली है, सेंट्रल लेवल की रहने वाली है वैकेंसी। जैसे कि हमने आप सब लोगों को पहले से बता रखा है कि जो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होती है फार्मासिस्ट की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, उनके लिए कोई भी स्टेट का पर्सन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो चलिए इसको आगे देखते हैं, इसके रूल्स रेगुलेशन किस तरीके से क्या बोलते हैं, देन के हम डिस्कस करेंगे और आपको पता चल पाएगा कि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात कर लें, तो नंबर ऑफ पोस्ट जो रहने वाली है वो 9 पोस्ट रहने वाली है। एलोपैथिक फार्मासिस्ट की पोस्ट रहने वाली है। सैलरी की बात कर लें, 25,500 सैलरी रहने वाली है। और देन आगे हम एलिजिबिलिटी की बात करें, तो यहां पर ये एलिजिबिलिटी में बहुत बड़ा, यहां पर मे बी ये हर किसी के पास एलिजिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि यहां लिखा है होल्डिंग द सिमिलर पोस्ट एज ऑन द डेट ऑफ सुपर एन्यूरेशन। तो एनुएशन जो होता है, बेसिकली ये जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी मांगा है, ये उनके लिए बेसिकली जॉब रहने वाली है। देन के आगे हम बात कर लेते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी यहाँ पर आपके पास में होना चाहिए और आप एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए किसी भी फार्मेसी काउंसिल में। देन के हम आगे इसके रूल्स रेगुलेशन जो है, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी पता करेंगे किस तरीके से इसके रूल्स रेगुलेशन है। अगर ये आपको ये अप्लाई करना है या इसके रूल्स रेगुलेशन ये रीड करने यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, तो आपको इस पेज की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगी। वहाँ लिंक पर जाके क्लिक करेंगे और ये पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आप रूल्स रेगुलेशन रीड कर सकते हैं यहां से, और देन इसी पेज को स्क्रॉल डाउन करते हुए जब नीचे की तरफ आप मूव करोगे तो इसकी लास्ट डेट भी आपको पता चलेगी, जो कि 24 दिसंबर 2021 तक रहने वाली है। और एप्लीकेशन एंड मोर इंफॉर्मेशन पर आप क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, जो कि हमें एक प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड कराएगा। उसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखो, सबसे पहला इसमें वैकेंसी जो दी है वो 9 वैकेंसी दी हुई है इन्होंने। यहाँ पर लिखा हुआ है 9 वैकेंसी लिखा हुआ है, सैलरी लिखा हुआ है। हाँ, सैलरी के बाद में अगर एलिजिबिलिटी देखें फार्मासिस्ट की एलिजिबिलिटी यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो आपको मेंशन कर रखा है, दो पॉइंट में यहाँ पर मेंशन कर रखा है। दूसरा पॉइंट तो आपके पास में होगा, जो कि इन्होंने बोला डी फार्मेसी होना चाहिए और किसी भी स्टेट फार्मेसी में वो एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप होने चाहिए। बट इन्होंने यहाँ बहुत क्लियरली मेंशन किया है, वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, जब भी आपकी समझ में पूरी तरीके से आ पाएगा कि आप इसको अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर वीडियो को स्किप करते हैं आप, तो देन आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो एक एलिजिबिलिटी तो आपके पास है, देन दूसरी एलिजिबिलिटी नहीं होगी। वो दूसरी एलिजिबिलिटी जो यहां पर इन्होंने मेंशन किया है कि ये जो पोस्ट निकली हुई है, ये रिटायर्ड स्टाफ के लिए निकली हुई है, जो कि सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल का जो रिटायर्ड या ऑटोनोमस बॉडी जो है, ऑटोनोमस बॉडी या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का जो स्टाफ है, जो कि पहले से जॉब कर रखा है, उसने गवर्नमेंट जॉब कर रखा है, देन उसके लिए वैकेंसी है, जो कि रिटायर हो चुका है, देन उसके लिए यहां पर आप वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास मे बी आप रिटायर्ड पर्सन न हो, बट अगर आपसे आप शेयर कीजिए वीडियो को, अगर इस तरीके का कोई भी पर्सन आपको आपके रिलेटिव्स या बेसिकली फ्रेंड सर्किल में या फिर कोई भी अगर है, तो देन उनके लिए ये यूज़फुल वीडियो रहने वाला है। मे बी आपके लिए जो फ्रेशर है उनके लिए ये यूज़फुल वीडियो न रहे। बट आगे अगर एप्लीकेशन की बात कर लें, तो किस तरीके से सेंड करना है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, प्रिंट आउट निकालना है, इसको फिल करना है। और ये देखो यहाँ पर जो पॉइंट है 7 पॉइंट, इसको आप रीड कर लीजिए। इसमें बताया क्या क्या डॉक्यूमेंट अटेस्ट करने हैं, सेल्फ अटेस्ट करके ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म में लगाने के बाद में दिए हुए एड्रेस पर सबमिट कर देने हैं। एनवलप में क्लोज करके देखो, दिया हुआ एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, ये लिखना है किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप लिखेंगे फार्मासिस्ट और दिए हुए यहाँ पर ये जो एड्रेस है दिया हुआ